कृषि से जुड़े तीन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों का आंदोलन 14वें दिन में एंट्री कर चुका है। 9 दिसंबर को सरकार और किसानों के बीच 6वें दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे एक दिन पहले यानी कि 8 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह और कुछ किसान नेताओं की बैठक हुई। ये बातचीत बेनतीजा रही। किसान कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। वहीं सरकार का कहना है कि वे कृषि कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP की गारंटी लिखित में देगी। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट की मीटिंग में किसानों के लिए सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद सरकार किसानों को लिखित में प्रस्ताव सौंप देगी। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कल किसान संघों से बात की। सरकार आज किसान यूनियनों को एक लिखित प्रस्ताव देगी और वे इस पर विचार करेंगे। देश और किसानों के हित में जो भी कुछ होगा उन सभी पर विचार किया जा रहा है। वहीं भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, सेंटर की ओर से जो ड्राफ्ट भेजा जाएगा उस पर विचार के लिए हम मीटिंग करेंगे। 6वें राउंड की मीटिंग कैंसिल हो गई है। ड्राफ्ट पर चर्चा के बाद कोई कदम उठाएंगे। उम्मीद है कि आज शाम 4-5 बजे तक स्थिति साफ हो जाएगी। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के मुखविंदर सिंह सबरा ने कहा है, सरकार इस समय हड़बड़ाहट में है। कल शाम बुलाई गई बैठक बेफायदा रही। प्रस्ताव भेजना था तो 6 या 7 दिसंबर को भेजते। अगर प्रस्ताव में संशोधन की बात आती है तो उससे बात नहीं बनेगी। इससे पहले अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हनन मुल्ला ने कहा था, कल बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। सरकार ने 10 दिसंबर को बैठक के लिए बोला है। अगर प्रस्ताव के बाद कुछ सकारात्मक निकल कर आता है तो कल बैठक हो सकती है। गृह मंत्री की संयुक्त किसान मोर्चा के 13 सदस्यों की मुलाकात हुई। इससे पहले 40 किसान नेता सरकार से बातचीत कर रहे थे। सिर्फ कुछ नेताओं की शाह से मुलाकात को लेकर विवाद हो गया है। पंजाब के सबसे बड़े किसान यूनियन भारतीय किसान यूनियन के जोगिंदर सिंह उगरान का कहना है कि किसान नेताओं को सरकार से बुधवार को तयशुदा औपचारिक बैठक से पहले अमित शाह से अनौपचारिक रूप से नहीं मिलना चाहिए था। उग्राहा ने नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा, कुछ किसान यूनियनों को अमित शाह ने अनौपचारिक बातचीत के लिए बुलाया था। अमित शाह से अनौपचारिक मुलाकात करने किसान यूनियनों को नहीं जाना चाहिए था। बिना आधिकारिक बातचीत के मिलना शक पैदा करता है। अमित शाह से मुलाकात के बाद किसान नेता बटे हुए दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि आगे की रणनीति बनाने के लिए सरकार की ओर से भेजे जा रहे प्रस्ताव पर विचार होगा और उसके बाद रणनीति तय होगी। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। लल्लन टॉप लटक शॉर्ट्स, यहाँ आपको मिलेगा किसी गवैये का गाना, अमन है इश्क मस्ताना, अमन को होशियारी क्या, किसी मस्त मौला का इंस्ट्रूमेंट्स बजाना, किसी कवि की नाजुक कविता। देखो मैं तो बतला भी दूं पर वतन ही बेकल है थोड़ा, जो उसके मेरे बीच में है वो इश्क पर्सनल है थोड़ा। किसी मुंहफट कॉमिक की तीखी कॉमेडी और ऐसी ही ढेर सारी परफॉर्मेंसेस के छोटे छोटे शॉर्ट्स। दूसरों के हुनर देखें, अपने हुनर दिखाएं। फॉलो कीजिए लटक को इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पर। अपनी परफॉर्मेंस हम तक पहुंचाने के लिए मेल कीजिए latak.lallantop@gmail.com पर। तो अब सुकून के लिए भटक मत, लटक।